एवरीवन, दिस इज साकिल लटोरिया, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। और आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग, जिसको हम एस्टिमेशन बोलते हैं, और शॉर्ट में इस सब्जेक्ट को हम QSC बोलते हैं। जैसा कि आपको पता है, व्यापम के द्वारा अपना कैलेंडर को अपडेट कर दिया गया है और हमारा जो सब इंजीनियर का एग्जाम है अप्रैल 2022 में होने वाला है, तो इसी एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं और इसी एग्जाम के लिए हम ये नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम जो हमारी होने वाली है, इसमें QSC सब्जेक्ट से क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है, हम सबसे पहले उस सिलेबस को डिस्कस करेंगे, देन हम इस सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सिलेबस को। सब्जेक्ट जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो कि मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस लिख दिया है कि क्या क्या आपके सब्जेक्ट में पूछा जाने वाला है हमारी सब इंजीनियर एग्जाम में, ठीक है। तो आपको बता दूं वही फिर से कि क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग हमारा सब्जेक्ट है QSC, इसको हम एस्टिमेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है जो हमारी एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, क्लियर। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा जिसमें अपने को समझना है कि एस्टिमेशन क्या कहलाता है एंड कॉस्टिंग क्या कहलाती है, क्लियर। मतलब एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया हमारा इस सब्जेक्ट का। नेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है सेकंड टॉपिक, मीनिंग ऑफ द टर्म, इन टर्म्स का मीनिंग क्या है, और जो भी टेक्निकल्स टर्म्स यहाँ पे यूज होती हैं उन टर्म्स की भी अपने को डेफिनेशन समझना है यहाँ पे, क्लियर। तो ये मीनिंग ऑफ द टर्म्स हमारा यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट है कि हम जो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग हम कर रहे हैं, इसका पर्पज क्या है, क्लियर। तो नेक्स्ट अपने को इसके पर्पज को समझना है कि हम क्यों इसको कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, हमें एस्टिमेट्स के टाइप को डिस्कस करना है कि कितने टाइप्स के एस्टिमेट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, स्पेसिफिकेशन, जैसे कि हम कोई सा मटेरियल यूज करते हैं तो उस मटेरियल्स के स्पेसिफिकेशंस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, क्लियर। तो उनकी बात करेंगे, स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट है कि हम जो यहाँ पे क्वांटिटी कॉस्टिंग की बात करेंगे, कॉस्टिंग की अगर मुझे बात करना है तो सबसे पहले मुझे क्वांटिटी को एस्टिमेट करना पड़ेगा, क्लियर। अब एस्टिमेट करना है मतलब मेजरमेंट की हम बात कर रहे हैं, क्लियर। तो हम कितने तरीकों से मेजरमेंट कर सकते हैं, तो मोड ऑफ मेजरमेंट की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, मोड ऑफ मेजरमेंट है। नेक्स्ट रेट एनालिसिस, हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रेट एनालिसिस, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है, और ये इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक यहां से, क्लियर, और यहां से फैक्चुअल न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। टेकिंग आउट क्वांटिटी ऑफ वर्क फॉर रोड, डैम्स, कैनाल्स, रेलवे एम्बैंकमेंट्स, सीमेंट कॉन्क्रीट और कलवर्ट्स जो हम बनाते हैं, क्लियर। साथ ही साथ एस्टीमेट ऑफ RCC स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं, जैसे कॉलम बीम स्लैब की हम बात करें, ठीक है, ब्रिज आपका हुआ, क्लियर। तो इन सारी चीजों की अपने को क्या करना है, इन सारे स्ट्रक्चर्स या कंपोनेंट की हम बात करें तो क्या करना है अपने को, इनका क्वांटिटी ऑफ वर्क की बात कर रहा है वो, कि क्वांटिटी ऑफ वर्क आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सिलेबस में डेप्रिसिएशन टर्म है, क्लियर। डेप्रिसिएशन अपने को समझना है, डेप्रिसिएशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अपने को देखना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैल्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा, वैल्यूएशन। अब आपको बता दूं, जैसे कि हम पढ़ते हैं यहाँ पे सेप्टिक टैंक, क्या पढ़ते हैं, सेप्टिक टैंक, ट्यूब वेल्स, तो इनका जब हम सेप्टिक टैंक का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कितने डाया का पाइप यहाँ पे यूज करते हो, सीमेंट कॉन्क्रीट जो आप यूज कर रहे हो तो उसका रेशियो क्या होता है, प्लास्टरिंग हम जो कर रहे हैं तो प्लास्टरिंग में आप मोर्टार का क्या रेशियो लेने वाले हो, स्लैब जो स्लोप हम यहाँ पे डालते हैं वो स्लोप क्या होना चाहिए, क्लियर। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो जो आप बेंड पाइप वगैरह प्रोवाइड करते हो, क्लियर, तो आप उसका भी डायमीटर आपसे पूछा जाता है, क्लियर। सिमिलरली ट्यूबवेल्स की बात कर रहा है वो, तो ट्यूबवेल्स में भी आपको बताना है कि आप कौन से कैसे ट्यूबवेल्स की प्रोसेस जो हमारी होती है उसको कैसे आप करते हो, क्लियर। तो उसके रिगार्डिंग यहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो हमारे सब्जेक्ट का है वो है टेंडर्स, टेंडर्स क्या कहलाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या कहलाते हैं, क्लियर। जैसे कि आपने देखा होगा MPPSC असिस्टेंट इंजीनियर का जो अभी हमारा पेपर हुआ है, तो वहां पे आपसे कॉन्ट्रैक्ट से
क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्लियर। इंजीनियरिंग इकोनॉमी का अच्छा एक वेटेज आया था, और इंजीनियरिंग इकोनॉमी की बात करें तो यही सब है आपका, जैसे कि रेट एनालिसिस हुआ, टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट हुए, क्लियर। तो यही सारी चीजें आपकी इंजीनियरिंग इकोनॉमी में आती हैं। तो एमपीपीएससी एई में जो हमारा इकोनॉमी वाला सेक्शन रहेगा, जिसमें रेट एनालिसिस की बात करेंगे, टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, तो वो भी आपका यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। अब नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे कि हम सब्जेक्ट तो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्यूएससी, इस क्यूएससी सब्जेक्ट का जो वेटेज हमारी एग्जाम में होता है, क्या होता है इस सब्जेक्ट का जो वेटेज हमारी एग्जाम में है वो क्या है, क्लियर। तो अकेला एक ही क्यूएससी ऐसा सब्जेक्ट आपका है कि यहाँ पे मैं आपसे बोलूंगा कि इस सब्जेक्ट से 8 to 9 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बनते हैं, क्लियर। अब देखो कम भी हो सकते हैं, 7 to 8 भी हो सकते हैं, बट अगर एक एवरेज यहां पे निकालूं तो 8 to 9 क्वेश्चंस आपको इस सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे, क्लियर। तो ये जो सिलेबस है ये हमारी पूरी के पूरे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहां पे है, व्हाट इज एस्टीमेट, एस्टीमेट क्या कहलाता है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट डाउन कर दिए हैं, आप अपने नोट्स में भी इसको नोट डाउन कर लेना, जिससे आपके एक प्रॉपर नोट्स बन जाएं और एग्जाम के टाइम पे आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाएं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एस्टीमेट से। जैसा कि आप देख रहे हो ये हमारा वर्ड लिखा हुआ है एस्टीमेट, एस्टीमेट क्या कहलाता है। तो सबसे पहले अपन इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि एस्टीमेट का मतलब क्या होता है कि एन एस्टीमेट इज द एंटीसिपेटेड और प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क। मतलब कि जब भी हम कोई सा काम स्टार्ट करते हैं, वर्क स्टार्ट करते हैं या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो उस प्रोजेक्ट की प्रोबेबल कॉस्ट क्या है, क्लियर। उस प्रोजेक्ट की प्रोबेबल कॉस्ट क्या है ये मुझे कौन बताता है, ये मुझे एस्टीमेट बताता है, क्लियर। अब सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, यूजुअली प्रिपेयर्ड बिफोर द कंस्ट्रक्शन इज टेकन अप। मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के पहले हम इस एस्टीमेट को प्रिपेयर करते हैं। भाई पहले ही प्रिपेयर करेंगे तभी तो मुझे उस वर्क या प्रोजेक्ट की क्या पता चलेगी, प्रोबेबल कॉस्ट पता चलेगी, क्लियर। तो सिंपल से दोनों पॉइंट थे यहां पे, आपको समझ में आ गया होगा कि एस्टीमेट आपका क्या कहलाता है। सिंपल से अगर वर्ड में मैं बोलूं तो डेट इज प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क, क्या कहलाता है, प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क, क्लियर। लेकिन एक चीज याद रखना, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के पहले जो हमने प्रोबेबल कॉस्ट निकाली है वो हमारा एस्टीमेट कहलाता है, क्लियर। अब देखो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्लियर, तो थर्ड पॉइंट आप देखना कि बिफोर अंडरटेकिंग एनी वर्क इट इज नेसेसरी टू नो इट्स प्रोबेबल कॉस्ट। मतलब ये जरूरी है कि हम कोई सा अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबल कॉस्ट के बारे में मुझे पता हो, क्लियर। अब ये प्रोबेबल कॉस्ट जो हमारी है ये कैसे पता चली मुझे, तो इसको हम ऑप्टेंड या फिर डेराइव्ड करते हैं, कैसे, एस्टीमेटिंग से, क्लियर। हम कैसे डेराइव्ड करते हैं, एस्टीमेटिंग से हम डेराइव्ड करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक था सिलेबस में एस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग, तो देखो ये जो टर्म हमारी थी एस्टीमेटिंग ये यहाँ पे आ चुकी है कि मतलब जो एस्टीमेटिंग आपकी टर्म यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो हम किस लिए कर रहे हैं, प्रोबेबल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये जरूरी है कि हम अगर कोई सा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके पहले मुझे क्या पता हो, प्रोबेबल कॉस्ट के बारे में पता हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि द एस्टीमेट प्रिपेयर्ड बाय कंप्यूटिंग द क्वांटिटी रिक्वायर्ड। कितनी क्वांटिटीज मुझे रिक्वायर्ड है, जैसे फॉर एक एग्जांपल की मैं बात करूं कि भाई मुझे एक कॉलम बनाना है, अगर मुझे कॉलम बनाना है तो कितना सीमेंट लगने वाला है, कितना सैंड लगने वाला है, कितना एग्रीगेट लगने वाला है, क्लियर, कितना रेनफोर्समेंट लगने वाला है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि हम सबसे पहले क्या यहां पे फाइंड आउट करेंगे या कंप्यूट करेंगे, सबसे पहले मुझे क्वांटिटीज को कंप्यूट करना है, क्वांटिटीज रिक्वायर्ड होगी मुझे एक एस्टीमेट को प्रिपेयर करने के लिए, क्लियर। फिर क्या बोला इन्होंने कि एंड द कैलकुलेटिंग द कॉस्ट, क्लियर, फिर हम उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, जो भी क्वांटिटी हमारे पास निकल के आ जाएंगी उन मटेरियल्स की हम कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, और कॉस्ट को मुझे कैसे कैलकुलेट करना है, तो उनके सुटेबल रेट्स से, कैसे, उनके सुटेबल रेट से। अब देखो रेट की अगर मैं बात करूं तो जनरली आपको ये जो रेट आपको मिलते हैं ये कहां से मिल जाते हैं, एसओआर से आपको मिल जाते हैं,
कहां से मिल जाते हैं? SOR, इसके अगर फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो शेड्यूल ऑफ रेट आपका होता है, जो PWD डिपार्टमेंट आपका होता है उसके द्वारा दिए जाते हैं कि आपकी किस मटेरियल की क्या रेट है। क्लियर? तो वहां से आपको रेट मिला। क्लियर? उस रेट के बेसिस पर आपने क्या फाइंड आउट कर ली? कॉस्ट को फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर? और जब हम क्वांटिटी इनटू कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है? टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एक टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाता है, जिसको हमने नाम दिया है एस्टीमेट। तो एस्टीमेट को अगर मुझे प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना रहेगा? क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है, मतलब क्वांटिटीज का कंप्यूटेशन रहेगा। देन मेरे को कॉस्ट निकालना है, और एक कॉस्ट कैसे? उनके सुटेबल रेट से मुझे पता चल जाएगी, जिसके बेसिस पर हम एक्सपेंडिचर को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट अब यहां पे समझते हैं कि प्रोबेबल कॉस्ट तो मुझे समझ में आ गई है कि अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या फिर वर्क स्टार्ट करना है तो उसके पहले जो हमने कॉस्ट को कैलकुलेट किया है वो हमारी प्रोबेबल कॉस्ट है, वो हमारा एस्टीमेट है। तो भाई ये जब प्रोबेबल कॉस्ट है तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क या फिर प्रोजेक्ट मुझे कैसे पता चलेगी? तो देखो नेक्स्ट हमारी टर्म्स यहां पे क्या है? एक्चुअल कॉस्ट है। तो एक्चुअल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल कॉस्ट आपको तब पता चलेगी जब आप उस वर्क या फिर प्रोजेक्ट को क्या कर दोगे? कंप्लीट कर दोगे। तो देखो द एक्चुअल कॉस्ट इज नोन ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीटेड वर्क के अकाउंट से आपको एक्चुअल कॉस्ट का पता चल जाएगा कि एक्चुअल कॉस्ट हमारी क्या आई है। क्लियर? अब देखो यहां पे क्या है कि एस्टीमेशन में हमने समझा है कि मुझे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के पहले प्रोबेबल कॉस्ट मेरे को पता थी, अब मुझे एक्चुअल कॉस्ट पता चल गई है, मतलब कंप्लीशन ऑफ वर्क मुझे एक्चुअल कॉस्ट पता चल गई है। तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि जो आपने स्टार्टिंग में प्रोबेबल कॉस्ट को निकाला, जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क आपको एक्चुअल कॉस्ट मिली है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है? इसमें क्या नहीं होना चाहिए? बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो अगला पॉइंट देखो, यहां पे मैंने यही लिखा हुआ है कि एस्टीमेट जो हम यहां पे प्रिपेयर करते हैं इसको केयरफुली एंड करेक्टली आपको प्रिपेयर करना है। क्यों? देयर विल नॉट बी मच डिफरेंस इन बिटवीन द एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट यहां पे अगर मैं पॉइंट की बात करूं कि अब यह है केयरफुली एंड करेक्टली वर्ड जो यहां पे आया, इसके लिए मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, एक्यूरेट। तो एक्यूरेट एस्टीमेटिंग के लिए हमें अब क्या करना चाहिए? तो एस्टीमेटिंग यहां पे करना है मुझे कैसी? एक्यूरेट करनी है। क्लियर? तो एक्यूरेट एस्टीमेटिंग के लिए जो हमारा एस्टीमेटर होता है वो कैसा होना चाहिए? वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। उसको कंस्ट्रक्शन की सभी मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? कि कंस्ट्रक्शन जो हमारा होता है कितनी मेथड से होता है, तो इन सारी चीजों का उसको नॉलेज होना चाहिए। मतलब एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन अगर एस्टिमेटिंग कर रहा है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा एस्टिमेटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था हमारा कि एस्टीमेट क्या होता है और एक्चुअल कॉस्ट हमारी क्या होती है। अब हम देखते हैं कि इस एस्टीमेट को, मतलब इस प्रोबेबल कॉस्ट को अगर मुझे निकालना है तो मुझे कौन कौन सा डेटा यहां पे रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि बिना डेटा के हम ये प्रोबेबल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो हम देखते हैं कि ये प्रोबेबल कॉस्ट हमारी कैसे फाइंड आउट होगी। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि एस्टीमेट हमारा क्या कहलाता है और एक्चुअल कॉस्ट हमारी क्या कहलाती है, तो एस्टीमेट में अभी हमने प्रोबेबल कॉस्ट को फाइंड आउट किया था। तो अब इस प्रोबेबल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड होगा, उस डेटा की हम बात करते हैं। ठीक है? तो जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पे लिखा है मैंने डेटा फॉर एस्टीमेट। क्लियर? तो एक एस्टीमेट मतलब आप समझ गए हो मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्रोबेबल कॉस्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है? ये चीज आपको याद रखना है। और एस्टीमेट या फिर प्रोबेबल कॉस्ट बिफोर द कंस्ट्रक्शन निकाली जाती है। क्लियर? तो कंस्ट्रक्शन के पहले मुझे कॉस्ट फाइंड आउट करना है उस वर्क की या फिर प्रोजेक्ट की, तो मुझे क्या क्या डेटा यहां पे नेसेसरी होगा। सबसे पहला हमारा क्या है? ड्रॉइंग। मेरे पास क्या होना चाहिए? ड्रॉइंग होना चाहिए, मतलब प्लान होना चाहिए उस वर्क का हमारे पास, सेक्शन अवेलेबल होना चाहिए, एलिवेशन अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर? तो ये ड्रॉइंग हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट,
स्पेसिफिकेशंस, क्लियर, जो भी मटेरियल्स हम यहां पे यूज कर रहे हैं उसके मुझे क्या पता होना चाहिए, स्पेसिफिकेशंस पता होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए, रेट्स पता होना चाहिए, क्लियर। तो मतलब किसी भी वर्क या प्रोजेक्ट का प्रोबेबल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए इन तीन चीजों की जरूरत अपने को पड़ने वाली है। अगर ये तीन चीज हमारे पास नहीं होंगी तो हम प्रोबेबल कॉस्ट को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमारे पास होनी चाहिए। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा डेटा अपने को रिक्वायर्ड होता है, ऑप्शंस रहेंगे और आपको वहां पे टिक करना रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहले अपन ड्राइंग्स की बात करते हैं, क्लियर। पहला हमारा क्या है, ड्राइंग्स है, तो हम ड्राइंग्स की बात करते हैं। तो ड्राइंग में जैसे अगर मैं आपको अभी बताया था कि जैसे हमारे पास क्या होना चाहिए, जो भी हम वर्क कर रहे हैं प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका प्लान होना चाहिए, सेक्शन एलिवेशन, क्लियर, उसकी डिटेल्ड ड्राइंग हमारे पास होना चाहिए। मतलब जो डिटेल्ड ड्राइंग की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ फुली डाइमेंशनड, क्लियर। मतलब जो भी आप ड्राइंग यहाँ पे यूज करोगे उसमें पूरी की पूरी डाइमेंशंस क्या होना चाहिए, मार्क होनी चाहिए, तभी तो हम क्या कर पाएंगे उस वर्क के लिए क्वांटिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। और हमने प्रोबेबल कॉस्ट में समझा था कि सबसे पहले मुझे क्वांटिटी को ही, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट करना है, देन हमें क्या करना था कॉस्ट निकालना था एच पर सुटेबल रेट्स, क्लियर। तो यहां पे वही है कि जो भी ड्राइंग अपन यहां पे यूज करेंगे भाई उसके अंदर पूरी की पूरी डायमेंशंस क्या होना चाहिए, मार्क होना चाहिए, क्लियर। अब देखो ड्राइंग में जैसे मैंने बोला कि जो हमने प्लान यूज किया है, एलिवेशन यूज किया है, जो सेक्शनल एलिवेशन हमने यूज किया है, तो जनरली जो प्लान होता है, एलिवेशन होता है, सेक्शनल एलिवेशन होता है, इसको हम किस स्केल में ड्रॉ करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इनके लिए स्केल आप क्या यूज करते हो, तो देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, मतलब 1 मीटर आपका हो गया है ग्राउंड पर मार्क, और 1 सेंटीमीटर आपने कहां पे, जो ड्राइंग आप प्रिपेयर कर रहे होगे, प्लान प्रिपेयर कर रहे होगे, एलिवेशन प्रिपेयर कर रहे होगे, तो मैप के ऊपर मतलब उस प्लान के ऊपर आपने 1 सेंटीमीटर शो किया होगा, जो ग्राउंड पे कितना बताएगा, 1 मीटर बताएगा, क्लियर। अब देखो थोड़ा सा और अपन डिटेल में यहाँ पे चलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, ये हमारी स्केल है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, इसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग स्केल। ये हमारी कौन सी स्केल कहलाती है, ये हमारी इंजीनियरिंग स्केल कहलाती है। जब हम ड्राइंग की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, ड्राइंग की बात करते हैं, तो ड्राइंग में हम यूज करते हैं आरएफ का, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का, क्लियर। तो इसके लिए भी आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा आपका 1/100, क्लियर, क्या हो जाएगा 1/100, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आरएफ आ जाएगा, क्लियर। तो डेट इज द ड्राइंग स्केल, ये हमारी ड्राइंग स्केल होगी, ये हमारी इंजीनियरिंग स्केल होगी, क्लियर। अब अगर मैं इसी चीज को फिट और इंच में बात करूं, तो आप इन तीनों चीजों को यहां पे क्या बोला मैंने, ये जो साइन आप देख रहे हो ये इंच का साइन आपका है, क्लियर, ये आपका किसका साइन हो गया, इंच का, और ये आपका क्या हो गया, फिट हो गया है, ठीक है। तो 1 इंच में आप 8 फिट को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट, मतलब 8 फिट ग्राउंड पर मार्क आ रहा होगा और 1 इंच आपको कहां पे दिख रहा होगा, प्लान या ड्राइंग में दिख रहा होगा, क्लियर। तो ये चीज आपको याद रखना है कि प्लान एलिवेशन या सेक्शनल एलिवेशन जो होते हैं कौन सी स्केल में ड्रॉ करते हैं, अपन इस स्केल में अपन ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारी डिटेल्ड ड्रॉइंग होती है, क्या होती है, जो हमारी डिटेल्ड ड्रॉइंग होती है, यहाँ पे मैंने बोला था कि हम डिटेल्ड ड्रॉइंग का यूज करेंगे, जो फुली डायमेंशंस उसके ऊपर क्या होंगी, मार्क होंगी। तो इसकी स्केल की अगर मैं बात करूं तो देखो इसकी स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, क्या बोला मैंने, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 29 सेंटीमीटर। मतलब ये स्केल आप यूज करते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 29 सेंटीमीटर के बीच में आप कोई सी भी सुटेबल स्केल लेके डिटेल्ड ड्राइंग को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं यही बात में इंच और फिट में बात करूं, तो देखो 1 इंच में एक फिट से लेके 1 इंच में 2 फिट तक आप क्या कर सकते हो, डिटेल्ड ड्राइंग को प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहला जो हमारा डेटा था ड्राइंग का वो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, कि ड्राइंग में क्या क्या चीजें होंगी और जो ड्राइंग या प्लान या सेक्शनल एलिवेशन होंगे उसके लिए स्केल्स हम क्या यूज करेंगे, क्लियर। क्योंकि इसी डायमेंशंस के बेसिस पर, इसी जो हमारी डिटेल ड्राइंग में जो डायमेंशन है इसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं स्पेसिफिकेशंस को।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे हम क्यूएससी सब्जेक्ट का यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन हमने कर लिया है, और ये क्यूएससी जो सब्जेक्ट है, हमारी जो एग्जाम है जिसको हमने यहाँ पे टारगेट किया है, वो हमारी व्यापम सब इंजीनियर की एग्जाम है। तो व्यापम सब इंजीनियर की एग्जाम में इस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे इस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे आपकी इस एग्जाम में। तो एवरेज अगर मैं बात करूं, 7 to 9 क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में इस सब्जेक्ट से बनते हैं। क्लियर? तो इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, और हम पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं हमारी इस सीरीज के अंदर, ठीक है। तो आप कंटिन्यूएशन में वीडियोज को जरूर देखें। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे अब इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करेंगे कि ये जो एस्टीमेशन हमारी टर्म है, या फिर मैं इस पहले टॉपिक की बात करूं कि व्हाट इज एस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग। क्लियर? तो सबसे पहले अपन अब इसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट डेटा हमको क्या रिक्वायर्ड था? नेक्स्ट डेटा हमारा था स्पेसिफिकेशन। क्लियर? स्पेसिफिकेशन को हिंदी में हम बोलते हैं विशेष विवरण। क्लियर? हम क्राइटेरिया की यहां पे बात करते हैं। स्पेसिफिकेशन मतलब आप क्या समझो कि क्राइटेरिया के बारे में आपको जानना है, ठीक है। अब स्पेसिफिकेशन जो हमारे होते हैं, ये होते हैं 2 टाइप्स के। क्लियर? अगर मैं फर्स्ट टाइप की बात करूं तो स्पेसिफिकेशन हमारा क्या हो गया? जनरल स्पेसिफिकेशन, या फिर इसी को हम बोलते हैं ब्रीफ स्पेसिफिकेशन। क्लियर? तो अब जनरल स्पेसिफिकेशन जो आपका फर्स्ट टाइप का स्पेसिफिकेशन है, यह आपको क्या बताता है? तो देखो यहां पे, दीज गिव्स द नेचर क्वालिटी एंड क्लास ऑफ वर्क एंड मटेरियल। मतलब ये बताता है कि आप जो काम करने वाले हो उसका नेचर क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, किस क्लास का आप वर्क करने वाले हो, किस क्लास का आप मटेरियल यूज करने वाले हो। तो इन सब के बारे में आइडिया अपने को कौन देता है? वो देता है जनरल स्पेसिफिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट देखो यहां पे सेकंड पॉइंट, जनरल स्पेसिफिकेशन हेल्प टू फ्रॉम अ जनरल आइडिया ऑफ द होल बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। मतलब अगर मैं एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, तो एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में होल जनरल आइडिया। क्लियर? एक जनरल आइडिया कि कौन सा हम यहाँ पे मटेरियल यूज करने वाले हैं, किस टाइप का नेचर ऑफ वर्क है, क्या क्वालिटी है, कौन से मटेरियल्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, किस क्लास का अपने को यहाँ पे काम करके देना है। क्लियर? और लोकल लैंग्वेज में जैसे बोलते हैं ना, यार तुमने A1 काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, एक नंबर। अगर इंदौर की लैंग्वेज में आपसे बात करूं तो वो क्या बोलते हैं, किसी भी कोई अच्छे काम किया बोलते हैं, एक नंबर काम किया आपने, ठीक है। तो बात वही बोल रहा है कि किस क्लास ऑफ वर्क की बात कर रहा है, किस क्लास का वर्क आपको यहां पे करना है। तो एक जनरल आइडिया आपको कौन प्रोवाइड कराता है? ये जनरल स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये होता है आपका डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। मतलब यहां पे अब साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन भी उनका ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन आपको क्या बताएगा? देखो, दीज गिव्स द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क, लेइंग डाउन द क्वांटिटीज एंड क्वालिटीज ऑफ मटेरियल। मतलब कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आप यूज कर रहे हो, तो किस क्वालिटी का मटेरियल आप यूज कर रहे हो, इन मटेरियल्स का क्या प्रपोर्शन आप यूज कर रहे हो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने क्या यहां पे अडॉप्ट की है इस मटेरियल के प्रपोर्शन को बनाने के लिए, ठीक है। वर्कमैनशिप के बारे में आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ आप वर्क को कैसे एग्जीक्यूट करोगे, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो डिटेल्ड नॉलेज आपको कौन देगा? क्लियर? ये विशेष विवरण जो हमने यहां पे लिखा था, इसका डिटेल्ड नॉलेज, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको कौन प्रोवाइड करा रहा है? डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड करा रहा है। क्लियर? सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं कि डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब एवरी आइटम ऑफ वर्क सेपरेटली। ये चीज याद रखना है कि भाई डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन जो होता है, तो जो हमारा आइटम ऑफ वर्क होता है इसको सेपरेटली डिस्क्राइब करता है। अब अच्छा, यहां पे ये नया वर्ड आया है आइटम ऑफ वर्क, इसका मतलब क्या होता है आइटम ऑफ वर्क का? देखो यहां पे किसकी हम बात कर रहे हैं, आइटम ऑफ वर्क की हम बात कर रहे हैं। तो आइटम ऑफ वर्क की बात हम कर रहे हैं, तो जैसे यहां पे देखना आप,
जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर मुझे बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अर्थवर्क करोगे, एक्सकेवेशन का काम करोगे, क्योंकि अपने को फाउंडेशन खड़ा करना है, करना है, कॉलम वगैरह फुटिंग वगैरह बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक्सकेवेशन करेंगे, अर्थवर्क सबसे पहले करेंगे। तो जैसे आपका अर्थवर्क हो गया, क्लियर। नेक्स्ट आपका आपने क्या किया, ब्रेक वर्क किया, क्लियर। तो ये आपका सेपरेटली ब्रेक वर्क आपका एक आइटम ऑफ वर्क हो गया, क्लियर। आपने क्या किया, कॉन्क्रीट किया, तो ये आपका एक सेपरेटली कॉन्क्रीट को भी इसने क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया, क्लियर। तो ये डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन होते हैं जो आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं वेरियस टाइप ऑफ आइटम ऑफ वर्क का। तो अब अपन नेक्स्ट डेटा देखते हैं जो अपने को एस्टीमेट में रिक्वायर्ड था। तो अभी हमने ड्राइंग को डिस्कस कर लिया, स्पेसिफिकेशन को डिस्कस कर लिया, अब जो नेक्स्ट डेटा है एक प्रोबेबल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, वो हमारा क्या है, रेट्स है। अगर मुझे रेट्स पता नहीं होंगे तो मैं कॉस्टिंग को कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, और हमारा टॉपिक भी पहला था एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, क्लियर। तो अब ये कॉस्टिंग अपने को निकालना है, क्लियर, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, रेट्स पता होना चाहिए, क्लियर। अब रेट्स की अपन बात कर रहे हैं तो किन चीजों के रेट्स मुझे पता होना चाहिए, सबसे पहले अपन बोर्ड डिस्कस करते हैं, क्लियर। तो आप देखो थोड़ा सा बोर्ड पर लिखा हुआ है मैंने कि द रेट्स पर यूनिट, ये चीज याद रखना, अभी आगे आपको इसको और बताऊंगा, ठीक है। द रेट्स पर यूनिट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क, क्लियर। जितने भी आइटम ऑफ वर्क हम कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था आइटम ऑफ वर्क क्या होते हैं हमारे, जैसे कि अर्थवर्क, जैसे कि क्या, अर्थवर्क, क्लियर। कॉन्क्रीट वर्क आपको करना है, क्या करना है नेक्स्ट आपको, कॉन्क्रीट वर्क करना है, जैसे और क्या करना है आपको, ब्रिक वर्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट फाउंडेशन आपका हो गया, क्लियर। तो इन सारे आइटम ऑफ वर्क का पर यूनिट रेट की बात कर रहा है वो। नेक्स्ट क्या बोला है, द रेट ऑफ वेरियस मटेरियल्स टू बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, हम कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, जैसे अब आपने यहां पे सीमेंट को यूज किया होगा, क्लियर, आपने ब्रिक का यूज किया होगा, आपने रेनफोर्समेंट स्टील बार्स का आपने यूज किया होगा, तो इन सारे मटेरियल्स के भी अपने को क्या पता होना चाहिए, रेट पता होना चाहिए, क्लियर। और साथ ही साथ अब देखो यहां पे क्या कैटेगरी ऑफ लेबर की अपन बात करें, क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो लेबर की बात करें तो जो लेबर हमारी यहां पे होगी उनको आपको क्या करना पड़ेगा, भत्ते भी देने पड़ेंगे, देना पड़ेगा ना, क्लियर। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, द वेज ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लेबर, क्लियर, अलग अलग टाइप की जो हमारी लेबर होती है। अब देखो स्किल्ड भी होते हैं, अनस्किल्ड भी होते हैं, क्लियर, स्किल्ड और अनस्किल्ड हमारे जो मैसन होते हैं, क्लियर, वो स्किल्ड भी होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, तो उसके बेसिस पर हम उनको पे करते हैं। कारपेंटर जो हमारे हुए, शटरिंग वगैरह लगवाते हैं हम, तो कारपेंटर्स यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मजदूर, विस्टी, ईटीसी, क्लियर। तो इन सभी लोगों के मुझे क्या पता होना चाहिए, रेट पता होना चाहिए, जब हम एस्टीमेट को क्या कर रहे होंगे, प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्लियर। तो ये सारी चीजें अपने को क्या होना, नॉन होना चाहिए, क्लियर। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्या पता होना चाहिए, देखो द लोकेशन ऑफ वर्क एंड इट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब जो हमारी वर्क की लोकेशन है और जो हमारा सोर्स ऑफ मटेरियल है, इनके बीच की दूरी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि भाई ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा लगेगा, इस मटेरियल को हम अपनी लोकेशन पर लेके आएंगे तो कितना खर्चा अपना होने वाला है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन कि ये सारी की सारी चीजें मुझे मिलेंगी कहां से, इंपॉर्टेंट यही है, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, मिलेगी कहां से। तो देखो दीज रेट मे बी ऑब्टेंड फ्रॉम पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट शेड्यूल ऑफ रेट बुक, क्लियर, कहां से मिलेगा, पीडब्ल्यूडी की शेड्यूल ऑफ रेट बुक जो है उसके अंदर ये सारे के सारे रेट्स अपने को क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं SOR, क्या बोलते हैं, SOR, शेड्यूल ऑफ रेट, क्लियर, ये हमारा क्या कहलाता है, SOR कहलाता है। अब क्वेश्चन यहां पे ये आना है कि भाई ये SOR कैसे बना,
या SOR किसने बनाया होगा या कौन सी मेथड हमने यहाँ पे अडॉप्ट की होगी। क्लियर? तो अभी अपन ने टॉपिक डिस्कस किए थे सिलेबस में, देखो वहीं से आया, रेट मे बी वर्कड आउट बाय द एनालिसिस ऑफ रेट, ये हमारा टॉपिक था। अभी सिलेबस में मैंने बताया था कि एनालिसिस ऑफ रेट पढ़ना है, तो ये एनालिसिस ऑफ रेट हम जो करते हैं इसके द्वारा ही ये शेड्यूल ऑफ रेट बुक को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर? और इसी SOR से हमें क्या मिलते हैं, ये सारे के सारे रेट्स मिल जाते हैं। क्लियर? तो आज की वीडियो में हमने सिलेबस को डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन पार्ट हमने यहां पर डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एस्टीमेट को डिस्कस करेंगे। अगर ये लेक्चर्स आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल आपको लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।